ऐसी तीन आयुर्वेदिक चीजें जो आपका स्टेमिना और जोश बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। 7 दिन खाइए और देखिए क्या चेंजेस आपको आते हैं। ये 3 आयुर्वेदिक चीजें डेफिनेटली रिजल्ट आने वाली हैं। आज ही मार्केट से जाओ, खरीदो और मुझे बताओ क्या रिजल्ट आता है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करो। चलो जानते हैं ये 3 चीजें क्या है। सबसे पहले ऊपर रख रही हूँ मैं आंवला। आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। आंवला के अंदर जिंक भी होता है, तो अगर आप रूटीन में, आंवला वैसे बहुत खट्टा होता है, लेकिन अगर आप इसका जूस ले सकते हैं या आंवला का मुरब्बा ले सकते हैं या आंवला का कोई टॉफी या कैंडी ले सकते हैं। आंवला बहुत हेल्प करता है आपके ओवरऑल स्टेमिना को बिल्ड करने में। जिंक और विटामिन सी का सोर्स है। आपकी स्पर्म का प्रॉब्लम है, इरेक्शन में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अच्छा फर्टिलिटी नहीं आ रहा है, तो भी आंवला आप रूटीन में ले सकते हो। मोरओवर मेटाबॉलिज्म तेज करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो आंवला का कंजम्पशन ओवरऑल, मतलब सब भी घर पे ले रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंवला इज अ गुड थिंग टू एड ऑन। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आज ही शुरू कर लो। दूसरे नंबर पे रख रही हूं अश्वगंधा। अश्वगंधा के बेनिफिट्स तो मैं चीख चीख के बोल सकती हूं हर जगह हर किसी को। मेल्स की कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए अश्वगंधा शुरू से ही माना जाता है। आइस का प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम, हर जगह अश्वगंधा हेल्प करता है। अश्वगंधा को आप चूर्ण बना लीजिए या नॉर्मल अश्वगंधा आप मार्केट से ले लीजिए, उसका एक टैबलेट है आप ले सकते हैं, उसको गर्म दूध या पानी के साथ लीजिए। 1 हफ्ते में आप बहुत मेजर चेंजेस डेवलप कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे रख रही हूँ मैं सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली हम बहुत ज़्यादा कॉमन सुनते हैं, बहुत सारे जितनी भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर भी सफ़ेद मूसली आती है। सफ़ेद मूसली आपके स्टेमिना का प्रॉब्लम है, आपका परफॉर्मेंस का इश्यूज है, आपको लीकेज हो रहा है या आपको लगता है मुझे नाइट फॉल हो रहा है, मेरे को एनर्जी नहीं रह रही है, मेरा करने का मन नहीं कर रहा है, उन सब में सफ़ेद मूसली हेल्प करता है। सफ़ेद मूसली ऑयल्स में जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं, हम आयुर्वेदिक चाहे अ से बी से ज जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिकेशन बनती हैं उसके अंदर अश्वगंधा, आंवला और सफ़ेद मूसली होना ही चाहिए। अगर आप भी कुछ लेते हैं ना, पूछो कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, और ये तीनों अगर आपको साथ में मिल जाए प्लस आपको और चीज़ें मिल जाएँ, जैसे आपको कॉन्च मिल जाए, आपको सैफ्रिन मिल जाता है, आपको शिलाजीत मिल जाता है, इन सब का जो अगर आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। आंवला, अश्वगंधा और सफ़ेद मूसली ढूंढो, खाना शुरू करो और मुझे चेंजेस कमेंट सेक्शन में लिखो। चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहें।